बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमात प्ले ग्रुप मोरखा 10 दिसंबर 2020 दिन जुमेरात मजमून उर्दू उनवान हर्फ का वर्बुक में सफ़ा नंबर 55-56 मकासद आवाज़ का तारुफ और पहचान। ये आपकी उर्दू की किताब है, सफ़ा नंबर 55 खोलें। ये हमारा आज का सबक है, यहाँ लिखें 10 दिसंबर। सफ़े के ऊपर ये दो तस्वीर देखिए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। कमीज 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 शर्ट को कहते हैं जो हम जिस्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कतार 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 सीधी लाइन को कहते हैं। कलम 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 पेन को कहते हैं जो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। कैंची 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 कपड़ा कागज़ और बाल वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। का 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 अब अगला सफ़ा खोलें, सफ़ा नंबर 56। अब सफ़े के ऊपर दी गई तस्वीर को देखिए। सबसे पहले मिलाइए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए। कालीन 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 कारपेट को कहते हैं लेकिन ये कारपेट से ज़्यादा नरम और ख़ूबसूरत होते हैं। कैंची झंडा 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 किसी भी मुल्क की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा कौमी झंडा है। कुल्फ़ी 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 आइसक्रीम को कहते हैं। नुक्ते पर पेंसिल रखिए और बाकी नुक्तों के साथ मिलाते जाएं और ऊपर दो नुक्ते लगाएं। ये बन गया का। नुक्ते पर पेंसिल रखिए और बाकी नुक्तों के साथ मिलाते जाएं और ऊपर दो नुक्ते लगाएं। ये बन गया का। फा के ऊपर एक नुक्ता होता है और का के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। अब बाकी सफ़ा मुकम्मल कीजिए। का की चीज़ों के साथ मिलाएं। का कालीन कालीन में पहला हर्फ का है इसलिए हम का को कालीन के साथ मिलाएंगे। कैंची कैंची का पहला हर्फ का है इसलिए हम का को कैंची के साथ मिलाएंगे। झंडा झंडा झंडे का पहला हर्फ जीम है जा है इसलिए हम का को जा के साथ नहीं मिलाएंगे। कुल्फ़ी कुल्फ़ी का पहला हर्फ का है इसलिए हम का को कुल्फ़ी के साथ मिलाएंगे। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।